खाना खा लिया? नहीं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो जाके खा ले। बस करो माँ। खा चुपचाप, आज तेरी पसंद की सब्जी बनाई है मैंने, ले थोड़ी। बस बस, पता नहीं कितने दिन बाद आएगा। ए, इतना कम क्यों खा रहा है? तुझे कम पड़ जाएगा ना, मेरी बैग पैक कर। बेटी सीता, ज्यादा कपड़े मत भर। बस माँ। उस दिन भी सिर्फ स्टेशन जाकर लौट आया था, आज भी इरादा नहीं है। इस बार जरूर कोई नौकरी ढूंढ लेना, ऐसा कब तक चलेगा? महेश, वेंकटेश को भी अपने साथ ले जा, यहाँ रहकर वक्त की बर्बादी करेगा। शर्मा जी ने उसके लिए एक नौकरी देख रखी है, कुछ काम धंधा करेगा तो हम लोग उसके लिए भी अच्छी लड़की देखकर शादी कर देंगे। तू उसे अपने साथ ही ले जा। सीता, वेंकटेश को भी खाना दे दे। अरे थोड़ा और लेना। हो गया माँ। वेंकटेश, तू भी खा ले। तू क्या कर रहा है, बैठे बैठे इनकी फालतू बातें सुन रहा है? जल्दी कर, ट्रेन का टाइम हो रहा है। और हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा, जब देखो सिखाते रहते हैं। क्या टाइमिंग है ना। वहाँ जाके भूल मत जाना, फोन करते रहना और मेरी बेटी को अच्छी तरह संभालना। तुम जरा भी फिकर मत करो दीदी। ऐसी बातें सुनकर अजीब लगता है ना। शादी का नया नया नशा उतरेगा तो सिर्फ घर वालों को ही फोन करेगा। आप भी चलिए ना भैया, दोनों साथ में नौकरी करेंगे। माँ ने जो कहा वो सही तो है। तेरे पास पैसे हैं? हाँ है। बड़े भाई से झूठ बोलता है। चलिए ले। भैया है कहाँ? मैंने कहा रख। यात्रियों से निवेदन है कि वे जल्दी ट्रेन पकड़ने का प्रयास ना करें। जा। कितनी भीड़ है अंदर, कहीं बैठने की भी जगह नहीं है। पहुंचने के बाद फोन कर देना। हाँ कर दूंगा। आप एक बार फिर से सोचिए। क्या सोचना है? वही जो मैंने कहा था। हाँ सोचूंगा। सोचना क्या है, अभी साथ चलिए। अभी तेरे साथ चलूं? अभी चलोगे? तू जाता है मैं चलूं। आप भी ना भैया, आ जाइए। ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है पर साली नौकरी नहीं मिलती। वो देख तेरा भाई आ गया, दिखने में क्या मस्त दिखता है ना, लगता है रोज सुबह जिम जाना नहीं भूलता। लेकिन एक कमी है उसमें, बात बात में फटने लग जाता है, ऐसे ही रहा तो लड़की नहीं मिलने वाली। फिर वही बात, जितना छोकरी छोकरी करते हो उतना नौकरी नौकरी करते तो आज बाप के पॉकेट मनी पे गुजारा नहीं करना पड़ता। हट। हे, ये महेश हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है ना, अब देख इसकी वाट लगाता हूँ। महेश जरा सिगरेट देना। अरे सोच क्या रहा है, जल्दी देना यार। देख इसको गुस्सा मत दिला, नहीं तो ये सिगरेट के फिर से टुकड़े टुकड़े करके सबको बांट देगा। कोई ढंग की चीज भी कर लिया करो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शहर भेजा है और तुम यहाँ अपने फेफड़े जला रहे हो। हेलो महेश। हेलो महेश। हेलो, सिग्नल कट रहा है। हेलो जानू, क्या हुआ मेरी जान, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? थोड़ी देर में नेकलेस रोड पे मिले क्या? ठंडी ठंडी कुल्फी खाएंगे, उसके बाद गर्मा गर्म भुट्टा मसाला लगा हुआ। तुम हैदराबाद में हो? तुम्हें ये अभी पता चला क्या? अब तक तुमने मुझसे मिलने की बात क्यों नहीं की? बात नहीं करूंगी। बाप रे। उस दिन भी मैं तुमसे मिलने की ही बात कर रही थी और तुमने फोन काट दिया। आज भी काटूंगा। कौन था? रॉन्ग नंबर, आजकल रॉन्ग नंबर बहुत आ रहे हैं। बैठे बैठे अकेली खा रही है। अरे उसे भी देना, कूली है क्या वो? तुम बताओ अचानक हैदराबाद कैसे आना हुआ? दीदी आज रात को अमेरिका से आ रही हैं, हम उन्हें लेने आए हैं, सब लोग आए हैं। मैंने तुम्हें जीजा जी के बारे में नहीं बताया ना। सुपर,
तुमने उन्हें शादी में देखा था? बहुत क्यूट है वो। सर केवल गुलाटी मार सकते हैं। मैं जब भी किसी दूसरे आदमी की तारीफ करती हूँ तुम्हारे तो तेवर ही बदल जाते हैं। अरे वो मेरे जीजा जी हैं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो महेश? अरे मैं तो तुम्हारी ही हूँ। हाँ, पर ये दूर से भी बता सकती हो ना? तुम ऐसा क्यों करते हो महेश? तुम ही तो हो जिस पर मैं अपना हक जमा सकती हूँ। जरा एक मिनट प्लीज। एक था देवदास, उसके बाद वो मजनू और मिस्टर रोमियो। इनकी लव स्टोरीज ने इन्हें इतिहास में अमर कर दिया। खुद चले गए, हमें फंसा दिया। इनकी बेटर हाफ भी कुछ कम नहीं थी, लैला, हीर, जूलियट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि प्यार में जान दे दो तो ही कुछ बात बनेगी। तुमने मेरी जान तो नहीं मांगी, इसलिए चलो जो चाहती हो दे देता हूँ। यहाँ आ जाओ और करीब। इनकी फिक्र मत करो, तुम लोग दोनों लगे रहो। अब क्या? तुम बताओ। अब बताओ ना। जगह ठीक नहीं है, अकेले होते तो बता देता। हेलो, क्या बोल रहा है? यार, आवाज नहीं आ रही। बाद में बात करो। लिफ्ट में था यार, अब लिफ्ट से निकल गया हूँ। बोल। अब देख, अब ठीक है ना? कुछ भी तो ठीक नहीं है। अरे तू देखते जा, दोपहर तक इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। काश ऐसा हो। 30 साल का एक्सपीरियंस है। सर। हाँ बोल। आपके गांव से कोई लड़का आया है, बोल रहे हैं आप उसको नौकरी देंगे। अच्छा वो आ गया? हाँ। उसको ठंडा गरम कुछ पिला, मैं अब भी काम निपटा के आता हूँ। ये देख भाव चढ़ गया। सर बोल रहे 2 मिनट बैठो। अच्छा वाला ओपन कर तो। ये भाव रहा तो हमारी इतनी निकल पड़ेगी। अरे देख वो पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा है, उसको अंदर लाऊं क्या? अरे बाबा देख नहीं रहा है, कितने काम में उलझे पड़े हम लोग। उसको बोल थोड़ा इंतजार करे, मैं अभी आ रहा हूँ। एक काम कर, ये वाला भी ओपन कर। टाइम क्या हुआ है? 2 बजे हैं। आज गाजर का हलवा खाते हुए अचानक मुझे वेंकटेश की याद आ गई। पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं। अब तेरी चाल। चाहे जहाँ भी हो टाइम पर खाना खा ही लेंगे। अगर खाना नहीं मिला तो समझो भेजा गरम। 10 मिनट रुक, देख मार्केट और चढ़ेगा। अगर आज मेरा लॉस हुआ तो तेको छोड़ने नहीं वाला मैं। देख थोड़ा सा भाव चढ़ा ना, एक काम कर इस पे 15 और लगा दे। मान गया तुझे। सर सुबह से शाम हो गई है, अभी तो बुला लो। अरे देख वो मेरे गांव वाला है, वो बुरा मानने वालों में से नहीं है। 5 मिनट और, 5 मिनट और, चल जाना। क्या है? हे, कहाँ है वो जिसने मुझे नौकरी देने के लिए बुलाया था? किधर है वो? तू है ना, गांव में डींगे मार के लोगों पे इंप्रेशन झाड़ते हो, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती है? मैंने कोई मदद मांगी थी, आ जाते हैं दिखाने के लिए। न जाने कितने और लोगों को उल्लू बनाया होगा तुमने।